वेलकम टू सेला 13,700 feet। मेरे खाली आंखों से तो मैं इसको निहार सकता हूँ, आप लोगों को भी शायद कैमरे में अच्छा ही दिख रहा होगा। ये हालत क्या बना के रखे हो अपना? ठंड कैसा था, मौसम कैसा रहा यहाँ का? ठंड पता नहीं चल रहा है, अंदर छह कपड़ा पहना है। ठीक है चलो। और गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बोमडिला। हाँ, बोमडिला का हम लोग का आज गुड मॉर्निंग सुबह सुबह हो रहा है। और कल रात को ठंड के वजह से हालत खराब हो गया था। आपने अगर इसका पहले वाला वीडियो देखा होगा आपको पता होगा हम लोग कल करीबन 7 बजे करीब शाम को यहाँ पे पहुँच गए थे। इससे आगे जाने का हम लोग का हालत बचा नहीं था, टाइम था हमारे पास, लेकिन बॉडी कंडीशन इतना ठीक नहीं था कि हम लोग यहाँ से आगे जा सके। आदित्य भी मतलब उसका ठंड से सर घूम रहा था। अभी सर दर्द थोड़ा कम हुआ, सर दर्द थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि उसको आदत नहीं है। और माइग्रेन भी है क्या? चलो कुछ नहीं, ऐसा कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि नेचर बहुत बढ़िया चीज़ है, नेचर बहुत बढ़िया इलाज है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा 1 महीना रह जाओ, आदत ठीक हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पे हाँ व्यू बहुत अल्टीमेट है, व्यू देख के चाय पीने का मजा भी कुछ अल्टीमेट है। आपको भी दिखाएंगे व्यू। और चाय आया था सुबह सुबह लेकिन अभी बहुत ठंड हो चुका है। चलो चाय पीते हैं और आप लोग व्यू चाहिए। The summer's calling. हो गया, आ जाओ हेलमेट लेके आ जाओ। तो हम लोग का सारा सीन खत्म हो चुका है होटल में, बिल वगैरह सारा पेमेंट कर दिया। अभी तो बाइक पे हम लोग का भी सामान लोड करना है, उसके बाद हम लोग सीधा निकल के जाएंगे सीधा तावांग के लिए। हम लोग का डेस्टिनेशन होने वाला तावांग, लेकिन उससे पहले हम लोग को मिलेगा सेला पास जो बहुत ही ऊपर है और वहाँ पे शायद हमको बर्फ मिलने वाला है। तो देखते क्या होता है। बाइक अभी अंदर रखा हुआ था इधर, हाँ पूरा दुकान के अंदर। बाइक अभी निकालते हैं उसके बाद सीधा चलते हैं, ये भी लोड करना है अभी। तो अभी हम लोग जाने के लिए रेडी है एकदम, बाइक पे सामान वगैरह भी बन गया है, बस निकलेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे। और करीबन हम लोग कल 400 किलोमीटर बाइक चला लिया था हमने, तो इसके लिए अभी सेन का भी थोड़ा थोड़ा आवाज़ निकलने लगा है। तो सेन को मेंटेन रखना एकदम ज़रूरी है क्योंकि ठंड का मौसम है इधर। और थैंक्स टू बाइकर ड्रॉइड, हाँ बाइकर ड्रॉइड की तरफ से मेरे को ये सेन लूप मिला था। तो इस सेन लूप से अब सेन को थोड़ा सा लुब्रिकेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग राइड अपना स्टार्ट करेंगे। ड्राइवर बैठेगा तो बैठ गया, जो चलाना है क्या तुमको? चलाना है तुमको? चलाओ, मैं पीछे बैठूंगा। मेरे को वहाँ तक चला के दिखाओ, पहले चला के दिखाओ। नहीं नूप नहीं समझा, फिर भी चला के दिखाओ। तो बिना साफी ऑन किए हुए सेल्फ मर रहा है। चलो बस गिरना मत, उधर देखा है ना खाई है। ब्रेक मार लो भाई, आगे गाड़ी है। ठीक है चलो चलो। और आज का रात का स्टार्टिंग हम लोग का हो चुका है, तो फिर आज जर्नी कैसा होगा पता नहीं। और आज है क्रिसमस, तो सबको मेरी क्रिसमस। और ये है बोमडिला का मेन टाउन, तो बोमडिला के मेन टाउन के अंदर से हम लोग गुजर रहे हैं और हमको अभी आगे जाके मिलेगा दिरांग। और हम लोग को आज सुबह सुबह एकदम जल्दी निकलना था, करीबन 8-9 बजे हम लोग का निकलने का प्लानिंग था, लेकिन अभी का टाइम हो रहा है 12। हाँ 12 बजे निकले हम लोग होटल से। उसका रीज़न ये है कि कल रात को एडिटिंग करते करते मैं सो गया था। पूरा एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, आधा एडिटिंग ही कम्प्लीट हुआ था कल रात को। और सुबह उठ के बाकी का एडिटिंग मैंने कम्प्लीट किया, एडिटिंग वगैरह कम्प्लीट करके वीडियो अपलोड पर लगा के अभी जस्ट होटल से निकले हम लोग, तो इसीलिए लेट हो गया। कल का वीडियो बहुत ज़्यादा सुंदर बना था, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप लोग जाके देख सकते हो इसका पहला वाला वीडियो। और आगे जाके अभी कहीं पे रुकना भी पड़ेगा, और रुकने का रीज़न यही है कि यहाँ पे नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है। एक जगह पे नेटवर्क हमको मिलेगा बढ़िया वाला, उधर रुक के वीडियो अपलोड पे लगाएंगे, अपलोड करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि राइड करना जितना इम्पोर्टेंट है, वीडियो बनाना जितना इम्पोर्टेंट है, वीडियो आप लोगों को पहुँचाना भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर वीडियो अपलोड करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ हमको मिल चुका है ऐसा नज़ारा, हाँ जिसको देख के आपको भी मज़ा आएगा, खतरनाक वाला, मतलब पूरा फॉग नीचे आ गया है। वाओ अच्छा अच्छा, पीछे से आदित्य बोल रहा था कि फॉग तो नीचे नहीं आया, हम लोग ऊपर आ गया है। बात भी सही है, अल्टीमेट एकदम सुमेश्वरी परफॉर्मेंस। वाओ, बस रास्ता का टर्निंग ना रहे, मतलब रास्ते पे कॉन्सेंट्रेट करे या फॉग पे, समझ में नहीं आ रहा है।
ये वाला जगह का नाम है मुन्ना। हाँ, करीबन हम लोग ज़्यादा दूर नहीं, करीबन 30 किलोमीटर आ चुके थे लोकेशन से हमारा, और यहाँ पे आके रुके हैं। यहाँ पे आके रुकने का मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे नेट का स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। जो ब्लॉग मैंने रात से एडिट किया था, सुबह को एडिट कम्प्लीट किया था, वो ब्लॉग एडिट कम्प्लीट तो हो चुका था लेकिन अपलोड नहीं हुआ था नेट की वजह से। तो यहाँ पे क्या मतलब, जगह जगह पे नेट मिलता है, जगह जगह पे नेट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे रुक के अपना ब्लॉग अपलोड कर रहा था मैं, और अपलोड हो ही गया अभी, तो उसको पब्लिक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ठीक है तेंजिंग भाई, मिलते हैं। तो इधर हम तेंजिंग भाई के इधर ही रुके थे, थोड़ा नेट का स्पीड यहाँ पे अच्छा है, मतलब यहाँ पे आप लोग रह भी सकते, होम स्टे है यहाँ पे। हम लोग अब वीडियो वगैरह सारा अपलोड कर दिया, अभी चलते हैं। वो बाइकर्स लोग जा रहे हैं, उनको पकड़ेंगे, चलिए उनके साथ एक साथ जाएंगे। दिन भर इतना मेहनत करके, रात को वीडियो एडिट करके, जब तक वीडियो अपलोड नहीं हो जाता ना, तब तक तो दिल को सुकून नहीं मिलता। अब वीडियो अपलोड हो गया है, अब दिल को सुकून है। और वैसे ही अपलोड करते करते हम लोग का टाइम भी यहाँ हो चुका है, अभी 2 बज गया। हाँ, अभी 2 बजे हम लोग निकले हैं दिरांग से। दिरांग भी अभी तक पहुँचे नहीं है, दिरांग यहाँ से और 5 किलोमीटर बाकी है। तो जहाँ पे अंधेरा होगा वहीं पर हम लोग का बसेरा होगा। वेलकम टू दिरांग। चलो दिरांग पहुंच चुके हैं हम लोग अभी। वैसे दिरांग मेन टाउन पहुंचते भी और 2-3 किलोमीटर बाकी है, बस हमको वेलकम बोर्ड मिल गया इधर। और करीबन 30 किलोमीटर पर हम लोग सेलातो पहुंच जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए रुके थे हम लोग। यहाँ पे जो सनलाइट आ रहा है ना, जो नज़ारा आ रहा है, अल्टीमेट वाला आ रहा है। सोचा कि यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और यहाँ पे नज़ारा का थोड़ा आनंद उठाते हैं और आपको भी यहाँ से अच्छे से व्यू दिखाते हैं। चलिए आप थोड़ा सा व्यू इंजॉय कीजिए, हम लोग भी थोड़ा इंजॉय करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, क्लाउड के बीच से सूरज का रोशनी जिस तरह से आ रहा है ना, माँ कसम के अल्टीमेट आ रहा है। तो मेरे खाली आंखों से तो मैं इसको निहार सकता हूँ, आप लोगों को भी शायद कैमरे में अच्छा ही दिख रहा होगा। यहाँ पे काफी टाइम रुक लिया, और रोकने का एक रीजन भी है क्योंकि जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते रहते हो ना, तो आपको धीरे धीरे रुक रुक के जाना पड़ता है, ताकि आप ऑल्टीट्यूड के साथ एग्जॉस्ट हो जाए आपका बॉडी। तो आपको रुक रुक के जाने से ज़्यादा सही रहता है मतलब। और यहाँ से 30 किलोमीटर बाकी है सेलातोप तक, और तावांग 147। जाने के लिए रेडी? रेडी नहीं है, अभी भी रुकना तुमको। और कितना टाइम? 1 घंटा। तबीयत खराब लग रहा है क्या? नहीं, चलो तुम सेलातोप पे रुक लेना, चलो देखता है कितना टाइम रुकता है उधर। तो यहाँ हमको रुकते रुकते काफ़ी टाइम हो गया, और हमको जाना है अभी भी उस पहाड़ के एकदम ऊपर, वो है बैसाखी। उसके बाद मिलेगा हमको सेला, जो 30 किलोमीटर बाकी है। तो सेला टॉप तक अभी भी और 17 किलोमीटर बाकी है, लेकिन अभी से हालत ख़राब हो गया हम लोग का। हाँ, रास्ते में कुछ नहीं दिख रहा, देखिए पूरा फॉग फॉग होके रखा है। और ठंड के बारे में अगर आप लोगों में बोलने जाओ तो क्या ही ठंड है, मतलब महाकसम, हाथ पर पूरा काम करना बंद कर दिया है, पूरा सुन हो गया हाथ। तो आप लोगों को रास्ते में क्या दिख रहा है पता नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस अंदाजे से धीरे धीरे बाइक आगे लेके जा रहा हूँ। ठंड की वजह से गोप्रो दे दो गया, तो अभी गोप्रो का बैटरी वगैरह खोल के इसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गोप्रो अगर जिंदा नहीं रहेगा तो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए रिकॉर्ड कौन करेगा। जिंदा तो ये हो चुका है अभी, बस ये धोखा ना दे और ये बस चलता जाए और रिकॉर्ड करता जाए हमारे लिए। तो इसको वापस लगाते हैं अपनी जगह पर, हेलमेट पर माउंट करते हैं, और ग्लव्स पहनना पड़ेगा अभी। कौन सा ग्लव्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये उलर ग्लव्स अभी डाल दिया, और इसके ऊपर अभी राइडिंग ग्लव्स लगेगा, उसके बाद ठंड से परेशानी नहीं होगा, मतलब आराम से जा सकते हैं। वेलकम टू सेला 13,700 फीट। फाइनली आके हम लोग पहुंच गए सेला टॉप। तो इधर हम लोग का गरम गरम मैगी आ चुका है, और इधर एक कैंटीन है, इधर ही रुक के हम लोग पूरा गरम गरम मैगी खाएंगे, क्योंकि सुबह बस चाय पी के निकल गए थे हम लोग, कुछ नहीं खाया था। अभी का टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, हाँ 4:15, और अभी मैगी खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे 2-3 फोटो खींचेंगे, आपको थोड़ा नज़ारा दिखाएंगे, और वो नज़ारा आ रहा है ना, अल्टीमेट नज़ारा आ रहा है इधर से, दिखाएंगे, पहले खा लेते हैं उसके बाद सब कुछ होगा।
तो इधर कैंटीन में रुक के तो आराम से चाय वाय पी लिया। और ये जो कैंटीन है ये आर्मी कैंटीन है एक्चुअली, तो यहाँ पे फैसिलिटी सारा है। और बाहर आया है तो ऐसा ठंड मिला है, मतलब बोलिए मत पूछिए मत, जो ठंड है इधर, जो हवा चल रहा है पूरा हड्डिया कपाती पूरा। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू तावांग, तो तावांग गेट पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यह है सैलाब टॉप। तो यहाँ से जल्दी जल्दी भी निकलना पड़ेगा क्योंकि कल इसी टाइम यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ था, स्नोफॉल अगर हो जाएगा तो हम यहाँ पे फंस जाएंगे। यह है आज का हम लोग का होटल, तो हम लोग सीधा सैलाबास से आके होटल पहुँच गए। सैलाबास के आते वक्त रास्ते में जो ब्लैक आइस था पूछिए मत, बाइक मेरा दो तीन बार तो ऐसे ऐसे स्कीड हो गया, मैं तो डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था कि आज तो गया ऐसा लगा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग एकदम सही सलामत आके होटल पहुँच चुके हैं। और होटल का जो बाहर का व्यू है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, रिसेप्शन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, कमरा भी ठीक ठाक ही बोल सकते हो आप, कमरा भी ठीक है। आदि ऐसा डर लगा था आज, क्यों डर लग गया? वो ब्लैक एक्स पे जो बाइक ऐसे हुआ था, स्किट हुआ था मतलब क्या है आप लोगों को बता होगा, हाँ ब्लैक एक्स पता नहीं चलता है ऐसे, जब जा रहे हो आप तब अचानक ब्लैक एक्स आएगा, उस पर अगर आपने थोड़ा सा ब्रेक दबा दिया, पहिया अगर एक बार लॉक हो गया तो स्लिप तो होना ही है, तो ब्रेक थोड़ा सा ऐसे टच किया था बस ब्लैक एक्स पे पूरा स्किट हो गया था। डर डर के आया है, किसी तरह से होटल मिला है, ठंड से हालत खराब था, बहुत ज़्यादा ठंड मिला था, ऐसा उंगली वगैरह का सामने का हिस्सा पूरा दर्द करने लग गया था, इससे इतना ज़्यादा ठंड था। लेकिन होटल में घुसने के बाद हीटर वीटर ऑन करने के बाद अभी सब कुछ ठीक है। आप लोगों को दिखाएंगे कल का होटल का बाहर का व्यू, और कल हम लोग जा रहे हैं एक शानदार जगह पे। और वैसे हम लोग अभी फिलहाल जंग पहुंचे हैं, जंग से यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, कहाँ क्या होगा आप लोग कल दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, जो लोग नया है सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना, लाइक करना, कॉमेंट करना, बाय बाय।